chao, Cesar. टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री सेल्सियस है, बहुत तपती हुई गर्मी है। डिस्टेंस अराउंड 480 किलोमीटर है, नहीं है जाइए आप जाइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रेवल। देखिए कितनी सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े अपने नए सफर पे, किस तरफ जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ट्रिप बहुत लंबी होने वाली है। चलो फिर चलते हैं सफर पे। लेट्स रीसेट द ट्रिप मीटर। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत सालों बाद मैं आज सुबह 5 बजे से जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ। आज की जर्नी हमारी जोधपुर से लेके हिसार तक रहने वाली, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ से एक्चुअली जोधपुर से हमें चंडीगढ़ पहुँचना है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जोधपुर से हिसार पहुँचेंगे और हिसार से फिर चंडीगढ़ चलेंगे। आज हम लोगों ने सफ़र सुबह 5 बजे स्टार्ट किया है। देखिए हम लोग कितने बजे पहुँचते हैं। आज पर गूगल मैप टोटल डिस्टेंस 470 किलोमीटर है और 8 आवर्स की जर्नी है। चलो सो वी आर क्रॉसिंग IIT जोधपुर। अर्ली मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट करने का सबसे फायदा यही होता है कि रोड खाली मिलता है आपको, रोड पे कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकान ही खुली नहीं होती तो लोग रोड पे आते नहीं हैं। तो ये देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा जो सनराइज़ होते हुए, कितने लोग ये सनराइज़ का नज़ारा डेली देख पाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, मैं भी खुद देख नहीं पाता हूँ डेली। सुबह होते ही सुबह के काम स्टार्ट हो गए, स्वच्छ भारत। आज हम लोग जोधपुर से निकल पड़े हैं, आज हम लोग हिसार की तरफ जाने वाले हैं। हरियाणा में हिसार एक जगह है। सो हम लोग कहाँ थे, हम लोग आज जोधपुर से निकल के हिसार की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोगों का सफर यही रहने वाला है, टोटल डिस्टेंस अराउंड 480 किलोमीटर है, नहीं है जाइए आप जाइए। 480 किलोमीटर है और 7 घंटे 30 मिनट की जर्नी है। होप सो कि हम लोग 12:30 तक पहुंच जाएंगे। चलो फिर चलते हैं सफर पर। राजस्थान की सड़कों पे आप ड्राइव कर रहे हो और कैमल रोड पे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जोधपुर से लेकर चंडीगढ़ जाने के लिए वाया हिसार 2 रास्ते एज पर गूगल मैप अवेलेबल है। एक ओसिया होकर एक नया हाईवे बना हुआ है, वो मैं रिटर्न जर्नी में ट्रैवल करूँगा। इस बार हम लोग जाते समय जोधपुर से नागौर, फिर सुजनगढ़, उसके बाद फतेहपुर, फिर चुरू। चुरू किस लिए फेमस है आप लोग सब जानते होंगे, फिर सादुलपुर और लास्ट में हिसार। ये हमारा सफ़र रहने वाला है। इस चीज़ को नोट करना मत भूलिए, यह VIP रूम 1 रुपीज़ में मिलती है।
फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल ये ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ साथ हॉलीडे होम्स के ब्लॉग के लिए भी बहुत फेमस है। इंडिया में CPWD गेस्ट हाउस, जिसको हॉलीडे होम भी कहा जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, PSU मेंबर्स, VVIP पर्सन्स, MP MLA और उनके गेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने CPWD ने बहुत सारे हॉलीडे होम्स ऑल ओवर इंडिया बना रखे हैं। टोटल 65 प्लस हॉलीडे होम हैं, उसमें से लगभग 35 प्लस हॉलीडे होम्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और उसके सारे ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ आप जाइए, चेकआउट कीजिए। किसी भी ब्लॉग के बारे में, किसी भी हॉलीडे होम के बारे में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि विद इन 24 आवर्स आप सबको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ मैंने इंडिया के बहुत सारे सर्किट हाउस भी कवर कर रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम चेकआउट कर रहे हो तो प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे ब्लॉग चेकआउट कीजिए। सर्किट हाउस के ब्लॉग भी मैंने डाल रखे हैं, गजानन महाराज ट्रस्ट के भी बहुत सारे ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये होटल बड़ी मुश्किल से हमें AC होटल मिला था, पर अभी भी वो खुला ही नहीं है, इनकी सुबह हुई नहीं थी। तो मेरी नए व्यूवर्स को यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए मत बिना मत चाहिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। पाइलॉग थोड़ा रास्ता दो, हम भी आगे निकल जाएं। बहुत टाइम से ये दोनों ट्रक्स मुझे जगह ही नहीं दे रहे थे आगे जाने के लिए। पाँच बजे से जर्नी स्टार्ट की थी, लगभग 250-260 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 9:30 पे ये हमें फैमिली रेस्टोरेंट मिला, जो कि ये 5 किलोमीटर पहले से बोर्ड लगा रखता है AC रेस्टोरेंट करके, पर बहुत ही घटिया और बहुत ही बकवास रेस्टोरेंट है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, प्लीज़ कभी मत इस रेस्टोरेंट में जाइए। बहुत रेयरली मैं ऐसे किसी को होटल को या रेस्टोरेंट को रिकमेंड करता हूँ, पर इसको मैं कभी लाइफ में रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लीज़ कोई भी मत जाना इस रोड पर जाते हुए। जोधपुर से लेके हिसार तक के इस रोड में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे बहुत कम ढाबे और रेस्टोरेंट है जिस पे फैमिली के साथ आप रुक सकते हो, और वैसे भी देखा जाए तो ट्रक वालों के हिसाब से भी बहुत कम ढाबे हैं, पर उस हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। बहुत कम कम डिस्टेंस पे बहुत सारे पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन बने हुए हैं, पर ढाबे और होटल के लिए और रेस्टोरेंट के लिए मैं आप लोगों से सलाह दूंगा कि प्लीज़ खाने पीने का अपना ध्यान रखिए। इस रोड पे होटल, ढाबा, ठीक ठाक ढाबा, फैमिली के साथ रुकने के लिए ढाबा मिलना बहुत मुश्किल है। वेलकम टू चुरू। आप जानते हो गए चुरू किस लिए फेमस है। जून फर्स्ट वीक चल रहा है, टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री सेल्सियस है, बहुत तपती हुई गर्मी है। फर्स्ट टाइम व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ मेरी जोधपुर से लेके स्पीति वैली तक रहने वाली है और वहाँ से रिटर्न के लिए।
ये स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप में अलग अलग जगह पे मैं पहुंच के अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हुए आगे निकलूँगा। तो आज का सफ़र हमारा हिसार तक है, उसके बाद चंडीगढ़ तक, उसके बाद आगे का सफ़र मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में डालता रहूँगा। प्लीज़ सारे व्लॉग्स चेकआउट कीजिए, किसी भी व्लॉग को बिना देखे हुए मत जाइए। और नए व्यूवर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वेलकम टू हरियाणा। हरियाणा में पहुंचते ही स्विफ्ट में चार चार साइलेंसर लग गए। वेलकम टू हिसार हरियाणा। लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं। टोटल 470 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने 7 घंटे में पूरी कर रखी है। ये लाजपत नगर में PWD रेस्ट हाउस है। आज यहाँ का स्टे मेरा यही भी PWD रेस्ट हाउस में। और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये रेस्ट हाउस की प्राइस ओनली 100 रुपीज़ पर डे है। आई रिपीट, 100 रुपीज़ पर डे। आप एक बार रेस्ट हाउस देखिए, इसका एक सेपरेट व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको भी चेकआउट करना मत भूलिए। 100 रुपीज़ में आज के दिन में क्या मिलता है, आप खुद ही चेकआउट करके आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कुछ तो लिखिए। कमेंट में कुछ लिखोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा। प्लीज़ एन्जॉय द लाइफ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वेलकम टू PWD गेस्ट हाउस हिसार हरियाणा।